अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल सर्च कंसोल में जो आपकी प्रॉपर्टी होती है या आपकी वेबसाइट होती है और आप किसी को उसका एक्सेस देना चाहते हो, यानी किसी डिजिटल मार्केटर को देना चाहते हो, या अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो जो है आप अपने क्लाइंट को एक्सेस देना चाहते हो, तो उसको कैसा करेंगे। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको जो है गूगल सर्च कंसोल पर आ जाना पड़ेगा, और गूगल सर्च कंसोल पर आने के बाद जो है आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर आना है। तो जब आप सेटिंग्स पर आ जाओगे तो सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आपकी ओनरशिप बताएगा और यहाँ पर यूजर्स एंड परमिशंस बताएगा। तो ये यूजर्स एंड परमिशंस पर आपको क्लिक करना है, और यूजर्स एंड परमिशंस पर क्लिक करने के बाद कौन ओनर है और कौन जो है यूजर है ये बताएगा। अगर आपको नए यूजर को ऐड करना है तो आपको ऐड यूजर क्लिक करना पड़ेगा। मसलन मुझे किसी को ऐड करना है, सपोज जो है मुझे ऐड करना है इनको ऐड तो farhanbajrai.com को, तो मैं उनका ईमेल लिख दूंगा। और उनका कितना एक्सेस रहेगा, ओनर है, फुल है, रेस्ट्रिक्टेड है, तो इन तीनों को अब में से आपको जिसको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लोगे। आमतौर पर फुल देने पर जो है अगर आपका डिजिटल मार्केटर को दे रहे हो या एसईओ को दे एसईओ एक्सपर्ट को दे रहे हो तो आपको फुल देना पड़ेगा। ओनर किसी को ना दे कि फिर चाहे कि वो डिलीट कर सके, इसलिए उसको फुल दे दें। देकर आप ऐड कर दोगे तो वो यूजर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रहा है, फेल टू ऐड यूजर ईमेल नॉट फॉर्म। तो हो सकता है कि ये ईमेल जो है इन्फो का है ना, तो इसलिए वो ईमेल फॉर्म नहीं हो रहा है। किसी जीमेल आईडी को मैं दे देता हूँ, मसलन जो है farhanbajrai21@gmail.com। तो ये एक आईडी को देखेंगे, सपोज ये ऐड हो जानी चाहिए, तो एडिंग यूजर आ रहा है, तो ये आईडी यहाँ पर ऐड हो गई और इनको फुल एक्सेस है। और अगर आपको इनको डिलीट कर देना है एक्सेस, तो आपको यहाँ पर जाओगे या तो चेंज परमिशन कर सकते हो, रिमूव एक्सेस, तो रिमूव एक्सेस कर दोगे तो उनका एक्सेस रिमूव हो जाएगा, अब वो आपकी आईडी को नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका यूजर परमिशन है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी देखेंगे।